हजारों वर्षों से भारत की ऋषि परंपरा, आध्यात्मिक और ज्ञान की परंपरा को लेकर के चित्रकूट और आसपास के क्षेत्रों में निवास व्यतीत करती रही है, यहां साधना तप रही है। याद करिए, हम सब का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ संवाद बनाने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि भी इसी धरती पर जन्म लिए और उनकी पावन स्थली अभी मुझे बगल में देखने को मिला। हमारी सरकार ने तय किया है, भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तय किया है कि लालापुर का विकास इतना करेंगे कि दुनिया के अंदर एक दर्शनीय स्थल बन जाएगा। और ऊपर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने में जिन लोगों को दिक्कत होगी नहीं होती है, तो जैसे लक्ष्मण पहाड़ी के लिए रोपवे बना है, वैसे यहां के लिए भी रोपवे बनाने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे ही राजापुर के लिए भी रामचरितमानस के माध्यम से भगवान राम की उस मर्यादा को, उनकी लीला को जन जन तक पहुंचाने वाले मध्यकालीन संत बाबा तुलसीदास जी की भी पावन जन्मभूमि यही राजापुर बगल में है। और भाइयों बहनों, राजापुर का भी विकास हो, समग्र विकास हो, रामायण शोध संस्थान बने, इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने की सरकार कार्रवाई बढ़ा रही है। और भाइयों बहनों, जब विकास की बात होती है तो विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। अब तो कोई डकैत यहां पे सिर तो नहीं उठा रहा है, डकैतों के समर्थक होंगे, सपा बसपा के रूप में वही तो है, सपा तो यही है। ये समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप से डकैतों की समर्थक पार्टी है, आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है, दंगाइयों की समर्थक पार्टी है। हर पेशेवर माफिया, दंगाई, डकैत समाजवादी पार्टी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारी शर्त थी ना, जब मैं पहली बार आया था, मैंने चित्रकूट में पूछा था कि आखिर चित्रकूट में बाहर से निवेश क्यों नहीं आ रहा है, तो मुझे बताया गया था कि चित्रकूट में चूंकि डकैतों का आतंक है इसलिए लोग नहीं आना चाहते। मैंने कहा जब अगली बार आऊंगा तब तक डकैतों से पूरी तरह मुक्त हो चुका होगा चित्रकूट, और भाइयों बहनों आपने देखा होगा चित्रकूट डकैतों से मुक्त है। आज चित्रकूट को हम लोगों ने फ्री जोन घोषित कर दिया है, और यही नहीं, तीन नए कार्य चित्रकूट के लिए हो रहे हैं। एक चित्रकूट में, भाइयों बहनों, चित्रकूट के लिए हम लोगों ने एक तो दिल्ली की यात्रा आसान बनाने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से ही हम प्रारंभ कर रहे हैं। मात्र 5 से 6 घंटे के अंदर चित्रकूट में आप बैठे और अगले 5.5-6 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर आप प्रवेश कर जाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग पूरा हो चुका है और होली के बाद पूरे धूम धड़ाके के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी हम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दूसरा, एयरपोर्ट। चित्रकूट में एयरपोर्टों का कोई सोचता था? आज तो आपका भव्य एयरपोर्ट बन रहा है। भाइयों बहनों, भगवान राम 10,000 साल पहले, हजारों साल पहले पुष्पक विमान से आए होंगे लंका से, और अब हम लोग यहां की जनता जनार्दन के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा और चित्रकूट के अंदर इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहा है। और तीसरा,
पिछली सरकार तमंचों की फैक्ट्री लगाती थी और जगह जगह डकैत पालती थी। आप मानते हैं ना, आप इस बात को मानते हैं ना, पिछली सरकार के कार्यकाल में डकैतों को फलने फूलने का खूब अवसर दिया गया और उसके लिए वे तमंचा लाते थे जिसे राज नहीं कर सके, डकैती ना सके। लेकिन भाइयों बहनों, आप पुंजे घर में कोई तमंचा नहीं बनाता, आप लोग डिफेंस खोल लो, आपके लिए बनना है डिफेंस खोल लो और चित्रकूट में भी डिफेंस खोल लो। याद करिए, जब चित्रकूट के डिफेंस खोल लो से तोप बनेगी और तोप दुश्मन की सीमा में गरजेगी और चित्रकूट का नौजवान उस तोप के अंदर बैठ करके तोप को तानेगा दुश्मन देश के ऊपर। सैल्यूट करेगा। बुंदेलखंड में जो समस्याएं थी भाइयों बहनों, एक दो थी पेयजल की सिंचाई, हमने दोनों समस्याओं का समाधान करने की ओर पूरी तरह आगे बढ़ चुके हैं। हर घर नल योजना भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव के समय जब श्री आर के पटेल जी यहां चुनाव लड़ने के लिए आएंगे तब तक हम लोग हर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए हर घर तक आरों का पानी पहुंचा चुके हैं। आप मानते हैं ना, काम हो रहा है ना, पाइपलाइन बिछ रही है ना, ओवरहेड टैंक बन रहे हैं ना, बड़े बड़े आरओ प्लांट लग रहे हैं ना। आज जो एक बोतल पानी आपको 15 से 20 रुपए में मिलती है, यही पानी फ्री में पाइप से आपके घर में पहुंच जाएगा। लेकिन तब पानी पिलाने में कंजूसी मत करना, जगह जगह प्याऊ लगा देना। भाइयों बहनों, ये काम आजादी के बाद भी हो सकता था। घर घर नल योजना आजादी के बाद भी साकार हो सकता था, लेकिन उनके मन में गरीबों की चिंता नहीं थी, माताओं बहनों के कष्ट की चिंता नहीं थी, उन्हें केवल अपनी चिंता थी। डकैतों का उत्पीड़न कांग्रेस सपा बसपा की सरकार में भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, इन डकैतों का इस्तेमाल ये लोग अपने लिए करते थे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही डकैती डालनी थी। बहुत अंतर नहीं था, एक डकैत गांव में डकैती डालता था, एक सत्ता में बैठ करके विकास की योजनाओं में डकैती डालता था या गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालता था। एयर कनेक्टिविटी पहले भी दी जा सकती थी, नहीं दिया। चित्रकूट को सुंदरतम धार्मिक नगरी के रूप में विकसित पहले भी किया जा सकता था और अब तो चित्रकूट प्रदेश सरकार के एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। यहां भी मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर हम अग्रसर है। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, चित्रकूट में क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? देखो झूठ मत बोलना भाई। और 2017 के बाद नहीं है ना, आज कोई भेदभाव तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है कि ब्राह्मण के यहाँ बिजली आएगी और दूसरी जाति के यहाँ नहीं आएगी। चंद्रका जी ऐसा तो नहीं करते ना, यानी बिजली सबको है ना, सबको बिजली पर्याप्त बिजली है ना, और ये भेदभाव भी तो नहीं होता है ना कि पहले जो होता था ईद और मुहर्रम में बिजली आएगी और दीपावली होली में नहीं आएगी, ऐसा भेद तो नहीं होता ना। 17 के पहले तो होता था। दूसरा मुझे बताइए, वैक्सीन आपको मिली? कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई? सब लोग लगा दिए, आपको धन्यवाद, मैं आपका अभिनंदन करूंगा। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसा कार्य हुआ। कोरोना कालखंड में
फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, प्रवासी हो या निवासी सबको फ्री में राशन, और कोरोना कालखंड में हर परिवार को महीने में दो दो बार राशन देने की व्यवस्था हुई। मिला कि मिला राशन, दाल तेल नमक मिलना कि नहीं मिलना है? ये पहले भी दे सकते थे ना, सपा बसपा के लोग भी दे सकते थे ना, नहीं दिया ना उन लोगों ने? भाइयों बहनों, अभी तो हमने कुछ और भी तय किया, हमने तय किया है सरकार जब इस बार बनेगी, अब होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे।